देखिए रुजुता जी, मैं कोरोना के माहौल के कारण मैं मेरी माँ से कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक दो बार बात हो जाए। और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। क्या बात वो है, वेरी गुड. तुरंत तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। तो आपकी बात खूब. सही है। तो अच्छा, आपका जो फिटनेस का मंत्र है, और मैं समझता हूँ ये मैसेज बड़ी ताकत रखता है। आप कहती है डोंट लूज हेल्थ, लूज वेट। जरा समझाइए क्या कहना चाहती हैं आप। मुझे यही लगता है कि हम बहुत बार वजन कम करने के कोशिश में हेल्थ गवा देते हैं, रात की नींद गवा देते हैं, दिन का चैन चला जाता है, और इश्क विश्क भी नहीं हुआ होता, बस डाइट पे रहते हैं. तो मुझे यही लगता है कि लोगों को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाए. जस्ट नॉर्मल खाना जो हमारे घर पर बनता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पोहा, उपमा, नून चाय जैसे कश्मीर में पिया जाता है, हर एक रीजन की हमारे यहाँ पर स्पेशलिटी है. तो अगर घर का खाएंगे, पैकेट में से कम खाएंगे, और अभी 2020 भी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी अगर हमारे साथ, महिलाओं के साथ घर पर हमारे किचन्स में काम करेंगे, तो हम लोग पैकेट में से कम खाएंगे, अपने ही किचन से ज्यादा खाएंगे, तो सेहत ऐसी ही बनी रहेगी. डिफॉल्ट में हम लोग अच्छी सेहत बना पाएंगे. आपकी बात सही है। और कितना खाएं उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं, इसका महत्व बहुत है। और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है, ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है। लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। और मेरे सप्ताह में एक दो बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूँगा। बिल्कुल बिल्कुल. क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,